गोवा जा रहा हूँ मैं, निकल पड़ी। तो आज हमारी गलती नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आधा ही छोड़ दिया, खाना खा नहीं रहे, मैंने ले लिया। और मेरा चोर, माँ की हमेशा इज्जत करो। इसका जवाब मेरी फैमिली देगी, पूरी फैमिली। छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम कहाँ पे हैं आप हैरान हो जाओगे देख के। तो भैया हम पहुँच गए भैया हमारी भांजी के घर पे, पापा जी बैठे हैं। सरप्राइज दिया मैंने मुस्कान को, है मुस्कान। तो मैं यहाँ पे आता है एक शूटिंग के पर्पज से, हमने जगह देखी सब कुछ देखा। तो फिर मैंने मुस्कान को फोन किया कितनी दूर है तेरा घर यहाँ से, हम लोकेशन डाली तो यहाँ से कम से कम 12 किलोमीटर। सीधा हमने सरप्राइज दे दिया मुस्कान को, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आऊंगा ना मुस्कान। तो भैया यहाँ पर हमारे काका साहब बैठे हैं, क्या क्या बोलते हैं प्रिंस, क्या बोलता नहीं जमाई क्या, मेरा तो बेटा ही है ना, बेटा एक ही बात है। तो भैया हमें नाम बहुत पसंद आया हमारे बच्चे का, इसका नाम है एसपी। अच्छा उनका नाम डीसी, इसका एसपी, चलो अच्छी बात है। तो फाइनली गाइस हम निकल रहे हैं घर के लिए, और बहुत सारा यहाँ पे माल पानी आया था तो सिर्फ सुनीता ने खाया, मैंने तो छेड़ा भी नहीं। बात सुनो ध्यान से, आप आओगे चंडीगढ़ देने, मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। सूरज हम लेके जाएंगे, टाइगर हम लेके जाएंगे, टाइगर ने मना कर दिया, टाइगर नाराज हो जाएगा। नहीं 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 गलत बात, थैंक यू जी, थैंक यू। मुस्कान ऐसे मत कर, रात के बज गए भैया 9:30। पायल को भूख लगी, और पायल कह रही है मुझे थोड़ा सा घुमा के लाओ, बहुत दिन हो गए। तो पायल को मैं घुमाने जा रहा हूँ, क्या खाने का इच्छा, चौमिन खिला दो मुझे। चल गाइस मैं रेडी होऊंगा पूरा, मामा के साथ जाऊंगा मैं। मामा कैसा लग रहा हूँ, बहुत हैंडसम नजर न लगे मेरे बच्चे को। तो गाइस अब ऐसा करेंगे, एक दिन गोलू की ड्यूटी लगाएंगे, एक दिन मेरी ड्यूटी, ताकि हम भी थोड़ा बाहर निकल सके। घर में ना बिल्कुल पैक हो गए, जब से बच्चे हुए ना हम लोग कहीं नहीं जाते, कहीं भी नहीं, और मान जी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। तो हमने सोचा है कि 1 by 1 हम लोग टाइम दिया करेंगे, घुमा करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। तो गाइस मैंने पायल को बोल दिया कि तू मेरे लिए भी कुछ ले आई, जो तू खाएगी वो मैं भी खा लूंगी, ठीक है। हाँ चौमिन चलेगी। तो गाइस चीकू ऐसे तैयार हो गया कि जैसे चीकू किसी शादी में जा रहा है, पता है ऐसा लग रहा है। पापा वो तो शादी में तो कोट पैंट पहनते, मैं तो गोवा जा रहा हूँ, गोवा। चल फिर चलो। तो गाइस गोलू कह रही है लाइट मत जगी हो, तेरे जाते ना बच्चे उड़ जाएंगे। अयान उठ रहा है, गोलू संभाल लियो, कल मैं संभाल लूंगी सबको, चले। तो कल बारिश आई थी तो मौसम बहुत ही खतरनाक हो रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पायल को ना यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ों में ले जाऊँ, और वहीं आज इसको डिनर खाना पीना जो खाना वहीं कराऊँ। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, या फिर ये आधा घंटा लगेगा गोलू को ले चलो, ले लो गोलू को भी ले लो, बच्चे तो सो ही रहे हैं अभी। हाँ वैसे दोनों दोनों नैनी भी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। हाँ और फीट तो अभी कराया था तो कोई उठेंगे नहीं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ले चलो ले लो। तो गाइस मौसम ना वाक्य में बहुत कमाल का हो रखा है, गोलू बताएगी। तो गाइस सच में मौसम इतना कमाल का हो रहा है कि मेरा प्लान था घर रहने का, बट मैंने सोचा जो मजा चौमिन गर्म खाने में ना वो ठंडी खाने में नहीं है। तो पायल कहती गोलू तेरा मन ना जाने का, मैंने कहा हाँ मन है, तो मैं निकल पड़ी। तो आज काफी समय बाद ये लगा लो प्रेगनेंसी से लेके बच्चों से अब तक हम आज जा रहे डिनर पे, 1.5 साल हो गया। इतना सुंदर सेट लेके आती हूँ मैं इसके लिए, और ये लड़का है ना ये देखो हीरो बनता जाता है, पहन इसको। मम्मा गर्मी लग रही है, मैं अगली बार से इसके ऐसे कपड़े लाऊंगी नहीं फैंसी। तो गाइस पूरे फस फसा के हम गाड़ी में बैठ ही गए, क्योंकि दो गाड़ी निकालने से अच्छा है एक ही गाड़ी में सारे लोग जाएं। पीछे चीकू वैष्णवी, इधर है मैं, पीछे बच्चे बैठे हैं गोलू और चीकू पापा, यहाँ पे हमारे टाइगर भैया और सूरज भैया। तो गाइस ये ना वही वाला रास्ता है जहाँ पे एक बार पायल का फोन रह गया था, हम आ रहे थे शिमला से तो बीच में एक ढाबा आया था वहाँ रुक गए थे, और वहाँ रुक के ना मैंने खाना खाया दाल रोटी, और फोन ना वही टेबल पे रख के भूल गई। घर आ गई, घर आके देखा, क्योंकि हम सोते सोते आते हैं रास्ते में जब भी आते हैं। तो घर आके ना मैं फोन ढूंढा, फोन कहीं नहीं मिला, फिर गाड़ी में ढूंढा 15-20 मिनट गाड़ी में नहीं मिला फोन। 3 दिन तक गाइस रिंग होता रहा, पर मचाल है किसी ने उठाया। फिर हम 2 बार मैं और भैया यहाँ पे 2 बार आए भी हैं चेक करने, पर हमें मिला ही नहीं, वो जगह ही नहीं मिली, वो जगह ही गायब होगी जहाँ हमने खाना खाया। उसके जो भी हम कितनी बार यहाँ पर आए, हमने सोचा इस साइड इस साइड जगह दिखी नहीं आज तक। एक्चुअली क्या था, नींद में थे और मैं भी गाड़ी में सो रहा था, ये उतर के चाय भाई पीने उन्होंने खाना वाना खा, मैं नहीं उतरा था, तो नींद में थे, इनको ढाबे का नाम ही नहीं याद था कि हम मुझे कहाँ रुके, और शक्ल भी नहीं याद आई हमें ना, शक्ल भी याद नहीं है ढाबा कैसा था। तो आज पहली बार मुझसे गलती हुई है, मैंने गोलूपाल को बोला नहीं कैश उठा लो, और ऐसा ही हुआ। तो गाइस मैं बता देती हूँ आपको, थोड़े टाइम पहले भी ना हम लोग कहीं जा रहे थे घूमने, मेरा बर्थडे था, पता नहीं किसका बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, और घर से निकल के थे बिना पैसों की, ठीक है। तो बीच में टोल आते हैं, तो उस दिन उन्होंने हमें इतना डाटा था कि जब भी घर से निकलते हो हाथ में 200-500 तो रखो करो। और आज ना इन्होंने ऑन द स्पॉट हमें बोला चलो, क्योंकि हमें काफी टाइम से आदत नहीं है बाहर निकलने की रात को, तो इन्होंने बोला हम निकल गए। तो आज हमारी गलती नहीं है, आज गलती आपकी है, कोई बात नहीं, तो बोला मेरी गलती है। तो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, आज हमारी बड़ी बहन सुनीता बहन का बर्थडे है, और बस अभी गोलू और पाल वीडियो कॉल कर रहे हैं। रुक जा इनकी नेटवर्क नहीं आ रही, नहीं जा रही, मैं कह दे रही नेटवर्क नहीं आ रही इनके, मेरे फोन दोबारा करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दीदी,
मुझे तो याद था इसलिए मैंने कॉल करा, और दूसरी बात कहने नेटवर्क नहीं थे इसलिए दो मिनट। हम लोग ना इधर पहाड़ की साइड पे आए थे ना, अभी थोड़ा सा लेट हो गए, दो मिनट लेट हो गए, नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। इनको याद था, मुझे भी याद था कि आपका कल बर्थडे है, तो परसों आ रहे हो ना आप? हाँ परसों आ रहे हैं मुस्कान के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, सारे आपको विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। ठीक है मिलते हैं दीदी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं होटल और हमने कर दिया है जबरदस्त सा खाना। पर मैं बता देती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया है। मसाला डोसा ऑर्डर करा है, साथ में उत्पम ऑर्डर करा है, मिक्स और फ्राइड राइस ऑर्डर करे है, और बाकी अभी चीजें और भी चलेगी। गाइस मैं कितनी हसीन लग रही हूँ, हमने बिल्कुल बिल्कुल मेकअप नहीं किया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है मसाला डोसा, और जिसको खाना है कमेंट कर देना, मुझे तो खाना है भाई। तो गाइस मैं हूँ डाइट पे क्योंकि मेरा 8 तारीख को गाना आने वाला है, उसमें डांसिंग है बहुत ज्यादा, और रील पे भी आ गया जहर गाना, आप देख लेना जाके, बहुत ही कमाल का गाना है। और वीडियो तो अब की बार ऐसी बनने वाली है, दिल खुश हो जाएगा आपका सबका। तो गाइस ये शुक्र है कि घर पास में, अभी अभी लक्ष्य का कॉल आया है। हाँ ये जैद और तोबा रो रहे हैं। हाँ। हम आधा ही छोड़ दिया, मैं पैक करा रही हूँ। हाँ, नहीं, 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 नहीं। मेरी 5 मिनट से मम्मा विद यू, 5 मिनट ज्यादा दूर नहीं आगे बेटा। तो गाइस बहुत ही प्यारा सा माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा है पूरा, ठंड भी हो रखी है। हाँ बहुत अच्छा व्यू है, कितनी शांति है ना यहाँ पे, पीस कितना मिल रहा है यहाँ पे, खड़े होना सुकून मिल रहा है गाइस यहाँ पे। तो भैया हम 2-4 मिनट इसलिए रुके हुए यहाँ पे क्योंकि ना खाना पैक हो रहा है, खाना खा नहीं रहे, हम घर खाएंगे। उससे पहले हमने सोचा चलो यहाँ का थोड़ा व्यू भी देख ले, और व्यू देख लो पीछे का पूरा साइलेंट है, पूरा ऐसे लग रहा है लाइट ही नहीं है यहाँ पे, पूरा अंधेरा है ना। और देखो एक अजीब सी आवाज मेरी ऐसी आवाज भी आ रही है, ये ना वो होती है पर जुगनू। हाँ मैं गुनगुने बोल रही थी इनको, गुनगुने। तो गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले हमारे हरियाणा से। आप हरियाणा से? मैं तो बहुत देखती हूँ, पीछे खाना अब जा रहे हैं शिमला, पूरी फैमिली है। हाँ जी, छुट्टी पड़ रही है ना। हाँ ठीक है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपके व्लॉग देखे ही सारे जी, किस्मत में था मिला प्यार आप लोगों का, बस ऐसे प्यार। गुड्डू देख के बताओ आपने इसका अचार खाया कभी? खाया बहुत, माँ बनाती थी घर पे, मैं खाया बहुत, खाया बहुत टेस्टी अचार होता है। हाँ, खाना ना आप मिलता नहीं है गाइस, इसको मैंने इतना ढूंढा इतना ढूंढा। हम टीट बोलते हैं, आप टीट बोलते हो? हाँ। हम टीट बोलते हैं, और यहाँ पे मिल गया, मैंने ले लिया। मैं खा लो, उसमें कम कैलोरी होती है। ड्रेसेस ना बिल्कुल फिटिंग की, बिल्कुल हरकत मत कर, 2 दिन हो जाए उसके बाद जो तेरा दिल खा ले। अच्छा इसके बाद क्या? इसको तो खिला दो गोलगप्पे। मम्मा मुझे चिप्स है। चिप्स नहीं, गोलगप्पे खा ले, चिप्स नहीं मिलेगा अभी। भैया जी ले आओ गाड़ी, खाना इधर है, इधर है खाना, इधर ये चिप्स खाना, तो इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। तो गाइस बस निकल गए घर के लिए, हार्डली 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच गए भैया घर, और हमें आने में लग गए पूरे 15 मिनट, और लक्ष्य बात होगी, बच्चे सो रहे हैं अभी है ना। बच्चे सो रहे हैं, तीनों सो गए। कहाँ जाने के लिए मैडम? बच्चे का सामान है सारा, माँ है तो पकड़ना तो पड़ेगा। हाँ भाई चश्मा ही लगा, माँ का सामान भी पकड़ लिया कर। सुनो चश्मा ही लगा, मेरा चार। अरे तेरा पर, तेरा चार नहीं भूल सकती, तेरा चार तो मैं ना सोच रही हूँ लॉकर में रखूं, ऐसे किसी को चाहिए ना। जाते ना खाएगी थोड़ा सा, बचेगी मैं, बचाती खाएगी ना, इधर मुश्किल से मिला मेरे को। हाँ जाती खाऊंगी। तो गाइस चश्मा इसने लगाया, शर्ट इसने पहनी, ये इसने प्रिंकल्स इसने खाए, फ्राइड राइस इसने पैक कराए, और पकड़ के कौन ला रहा है? माँ की, माँ एक योद्धा है, माँ की हमेशा इज्जत करो। अयान तूबा तो आराम से सो रहे हैं, गुड नाइट की बात कर रही है तूबा आराम से, और अयान को सुना रखा है लक्ष्मी, और हमारा जो मेरे बाल पकड़े बड़ा भैया है ना, हमारा बड़ा भैया, ये भैया शरारती जागा हुआ है, छुपाए इसको। मैं गर्म कर रहा हूँ, मैं कर दूंगी, तू रख, मैं गर्म करूंगा, ये माइक्रोवेव चलाएगा, गलती से कोई करंट कोई जला वाला हो जाएगा ना, मार खाएगा, मैं कर दूंगी। तो गाइस बस अभी चेंज वेंज करके आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह। तो सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते, और बस अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, जो लोकेशन कल गाना हमारा शूट है वो देखने जानी है, कल धमाकेदार गाना शूट होने वाला है, लोकेशन दिखाऊंगा मैं आपको, दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस नेविगेशन ने ना दुनिया की जिंदगी बहुत ही मजेदार कर दिया। पहले क्या होता था ना, हम एड्रेस पूछते रहते थे, बीकानेर कहाँ है, ये कहाँ है, हल्दीराम का उसके सामने मैं खड़ा मिलूंगा, ये बस स्टैंड है, ये है वो एक्स वाई जेड, मतलब कि टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त चल रही है ना, दिल खुश हो। तो हमारी लोकेशन है सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर। तो अभी अभी सूरज भाई ने कुछ ज्यादा दिमाग चला दिया और कह रहा सीधा चलते हैं, सीधा शॉर्टकट दिख रहा है, सीधे पे था जाम, और हमें लगा लो जहाँ हमें 3 मिनट में पहुंचना था वहाँ 9 मिनट हो गए, किलोमीटर भी बढ़ गए। तो गाइस लोकेशन हो गया डन, और कल आपको दिखाने वाले लोकेशन, जब गाना आएगा तब रिवील करेंगे। तो बस अभी चल रहे हैं घर, कुछ खा पी लेते हैं, घर से हम पानी भी नहीं पी गया इतनी जल्दी में। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ फाइनली घर, और बच्चे कर रहे हैं भैया फुल आराम, और यहाँ पे जैद सो रहे हैं, और
चीजी के पास है और अयान गोलू के पास। और पापा आ गई। पापा पापा बेटा शूटिंग के लिए जगह देख के आए हैं। पापा बहुत सुंदर लग रहे हैं आज तो पापा फुल चमक रहे हैं। देखा है अपने पापा को कैसे लग रहे हैं आज तो। हाँ जी उठ गए घूमने चले। घूमने चलना कह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गया मजेदार सा नाश्ता। काप्स बंद है फिर भी मैं थोड़ा सा काप्स ले रहा हूँ कल के लिए एनर्जी चाहिए और अभी डांस क्लास होने वाली है। तो गाइस अभी ना एक कमेंट मेरे सामने शो हुआ है और कमेंट किया है @nisha_dk6342। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई मतलब औरत ही नहीं है, इसको कभी माँ बनने की खुशी मिली ही नहीं है अपनी लाइफ में, तो इसने इतना गंदा कमेंट किया ना। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारा कोई एक बच्चा भगवान को प्यारा हो जाए। आई मीन योर तूबा, मतलब समझ में नहीं आता आपकी सोच क्या, आपकी मेंटालिटी कितनी छोटी है। आप एक सिर्फ एक महीने की बच्ची जो अभी ठीक से मतलब इस दुनिया में आई भी नहीं है, उसके बारे में तुम क्या लिख रहे हो। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। इसका जवाब मेरी फैमिली देगी, पूरी फैमिली। बहुत ही जल्दी 15 तारीख को गाना आने वाला है जहर, देखना बताना आपको कैसा लगा, मजा आ जाएगा। ये वाला गाना मतलब ये लाल अब तक हमारा सबसे बड़ा गाना होने वाला, शूट भी डायरेक्शन भी डायरेक्शन मैं ही कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखो, सेफ रहो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हेटर के लिए बहुत सारा प्यार।